यू नो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा है वो कहां से रुकने वाले हैं, उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो। और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है, ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर है कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है, आप अपने गृहमान में तो झांक के देखें कि आपका करियर किस तरह से खत्म हुआ। और इंजमाम को दिमाग खोलकर यानी हलवे शलवे से बाहर आकर थोड़ा सा दिमाग खोलकर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें कंडीशंस देखनी चाहिए। सारी इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर वो हिंदी में आए और ठेठ जिसे बोलते हैं ना मुंबई स्टाइल के अंदर उन्होंने बात की। मतलब आप इंजमाम की क्या औकात है, मतलब आप एक तो इसने इतनी को गंदी बात की है, आई तू अपना लेवल देख और अपनी बात देख। क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि भारत तो बॉल तब्दील कर देता है। हालांकि तारीख यह है कि हमने ग्राउंड के अंदर हमारे शाहिद खान अफरीदी साहब ने बाल को चक मारे थे और चक मारते हुए सारी दुनिया ने देखा था। जी बात यह है कि अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में है कि आप उसको मान लें। ऐरा गैरा नथू खैरा या छोटे मोटा जो अपने टाइम का क्रिकेट खेला हुआ अभी किसी भी टीवी चैनल पे बैठ के कोई भी बात कर देगा। अब इंजमाम एक वर्ल्ड स्टार है लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्यों इन सबको शौक चढ़ा हुआ है कि ये जाकर दुनिया भर में बेइज्जतियां करवाते फिरते हैं। इससे पहले भी आपने स्टेटमेंट देखी थी हर्षदीप सिंह के ऊपर हमारे कामरान अकमल साहब, जिन्होंने इतने कैच छोड़े कि शोएब अख्तर ये कहता है कि मेरी जिंदगी में इससे बेहतरीन कीपर मैंने नहीं देखा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को पाकिस्तानी पूर्व कप्तान इंजमामुल हक को करारा जवाब दिया है। भारत ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 3 विकेट चटकाए। पाकिस्तानी पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रहे इंजमामुल हक ने पाकिस्तान के एक चैनल पर चर्चा के दौरान अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इंजमाम ने कहा था जब अर्शदीप 15वां ओवर कर रहा था तो गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी, नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती। रोहित शर्मा से जब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले की पूर्व संध्या पर इंजमाम के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज को अपना दिमाग खुला रखने की सलाह दी। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा यहां के विकेट काफी सूखे हैं, सभी टीमों को रिवर्स मिल रहा है, आपको अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चल, थैंक यू सो मच। अली सलमान, ये भारत क्या कह रहा है और इंजमाम की जानिब से जो एक्यूजिशंस लगाए गए हैं खासकर अर्शदीप सिंह के ऊपर, उस पर आपका रद्दअमल क्या है? क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि भारत तो बॉल तब्दील कर देता है। जी बात यह है कि अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में है कि आप उसको मान लें। जब तक आप ये लैम एक्सक्यूज देते रहेंगे कि जी बॉल पे चिप लगी हुई है, बॉल जो है वो इसमें बॉल टेम्परिंग हुई है, देखिए बॉल टेम्परिंग अगर वो करते हैं और अगर बॉल को वो अगर रिवर्स स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मामूली सा बच्चा भी जो क्रिकेट को जानता है वो ये बात समझ सकता है कि उसके लिए आपकी पेस जो है ना वो 150 के करीब होनी चाहिए। जितनी आपकी पेस होगी उसके बाद आपका बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग होगा। तो अर्शदीप की इतनी पेस ही नहीं है कि वो 150 तक जाके वो पेस के साथ गेंद करे, क्योंकि जब वसीम और वकार गेंद करते थे वसीम और वकार का पेस जो था वो 150 प्लस था, शोएब अख्तर का जो पेस था 150 प्लस था। तो रिवर्स स्विंग के लिए बॉल टेम्परिंग के लिए जरूरी है भाई कि आपका पेस जो है वो इतना होना चाहिए कि आप बॉल को जो है वो आसानी के साथ रिवर्स स्विंग कर सको। दूसरी बात ये है कि क्या अर्शदीप सिंह की ने मूवमेंट के जरिए विकेट हासिल किए हैं, तो ये भी जरा चेक कर लीजिए कि अर्शदीप को विकेट किस तरह से मिली हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि जी इंडिया को किसी न किसी तरह उसके अच्छे खेल को हमें सबूताज करना है, उसको टारगेट करना है, उसको टेंटेट करना है, कभी हम कह देते हैं कि जब चिप लगी हुई है, कभी हम कह देते हैं कि जरा बॉल जलिस हो रहे हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से और सलीम मलिक ने भी इसको सेकंड किया है, वो कह रहे हैं कि अंपायर्स को भी अपनी आंखें खुली रखना चाहिए और यही अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया होता तो एक कोहराम मच जाता। अली इंजमाम ने 120 टेस्ट खेले, 120 टेस्ट खेलने वाला इतनी वसूख से एक बात कह रहा है अपने ऑब्जर्वेशन पे, तो आप उसको ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसे ही बातें कर रहे हैं? मैं चैलेंज को इसलिए कर सकता हूँ कि इंजमाम कोई ग्राउंड में तो नहीं है, इंजमाम के पास कोई एविडेंस है इस बात का कि वो बॉल टेम्परिंग हुई है? उनकी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने मैच देखा है, मैच देख के बात कर रहे हैं। 120 टेस्ट का तजुर्बा तो कम नहीं होता। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल तैयार था लेकिन फिर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो गया। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में अगर बहुत फर्क है, उनको उनको ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप ने बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि सात समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है?
और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है, ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर है कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है, आप अपने गृहमान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के पास फिक्सिंग में उसका नाम है, कैरियर खत्म हुआ। दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने के वो अच्छा खेल रहे हैं, हम ये नहीं पाते। अच्छा खेलने में कोई बात की उन्होंने, उन्होंने बोला अच्छा खेला है, तारीफ भी की इंडिया की, तो किस तरह टेंटेड कर दी ना फिर कामयाबी उनकी। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टेंटेड कर रहे हैं। आप अच्छा खेला है भाई मानो, और मानने में कोई वो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जब तक जो है वो दूसरों की अच्छाई को नहीं मानोगे, इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पीछे चली गई है। वो रोहित शर्मा है, वो कहां से रुकने वाले हैं? उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो यार, आप कंडीशन को बात किया। मैंने एक ब्लॉग पहले किया था, मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड में बॉल ओवर्स कम होता है, उसकी वजह यह कि वहाँ पे यू नो मैदान का पेट है, उसके ऊपर बॉल मारेंगे कोई चक्कर नहीं है कि बॉल थोड़ा टेम्पर हो रहा हो। या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर भी सिचुएशन वैसी नहीं होती, पर यहाँ पे ड्राई ग्राउंड है। वही रोहित शर्मा ने भी यही बात की, मैं टेक्निकली वो नहीं समझता कि बॉल को कैसे बनाया जाता, बट मैं अपनी जो थोड़ी सी नासमझ थी उसमें मैंने बोला था। बट रोहित शर्मा ने बोला कि ये ड्राई कंडीशन है, सब टीम का हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सब टीम का हो रहा है। उन्होंने ये बात की और उन्होंने बोला कि थोड़ा दिमाग खोलो और देखो कि कंडीशन यहाँ पे कैसी है, कि कैसे यहाँ पर बॉल जो है वो फिर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें क्या मामला है उसकी तरफ जाने की मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान वाला मैटर होता है ना, आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं, आप दूसरों के एग्जांपल से सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों इकट्ठे ओपन करते हैं, करते रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर की इज्जत देखिए पाकिस्तान में कितनी है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है। सहवाग की बात करते हैं, वो भी बड़े क्रिकेटर्स में कोई शक नहीं है, बहुत बड़े ओपनर थे, बट आप वो बात करते हैं उनकी बात का वेटेज थोड़ा कम होता है। उसकी वजह यह है कि वो बाज़ुकात यू नो जिसको मैं आमतौर पे कहता हूँ मुंह से आग बरसाते हैं बाज़ुकात, इसलिए उनका वेटेज नहीं है। इरफान पठान क्या कमाल के बॉलर थे, मगर जब वो बात करते हैं बाज़ुकात लोगों को वेटेज नहीं देते हैं, क्योंकि आप उनको पता है यार ये बात उस तरह से करते हैं। आप इंजमाम की बहुत रिस्पेक्ट इंडिया में मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है इस बात का, मगर उन्हें जब ये बात नहीं छेड़ दी है, और खासकर उस मोड़ पे छेड़ी जब आपकी टीम पहले राउंड से बाहर होगी, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया यार, आप उस पे इन पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, और इल्जाम कौन सा है बॉल टेम्परिंग का कि आपने चीट करके जीता है। ये इनडायरेक्टली ये बात है कि आपने चीट करके जीता है, आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुसी चीट कीता है और तुसी जीते है। मतलब ये सीधा सीधा बड़ा इल्जाम है, और आप किस पे लगा रहे हैं, इंडिया के ऊपर। ये सिनेरियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आप जब बात कर रहे होते हैं अपने इस तरह से क्रॉस बॉर्डर किसी पे, तो उसका बहुत माने होता है, उसका आपको समझ के बात करनी चाहिए। आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक, या आपके पास कोई सबूत है क्या मैच रेफरी ने रोका आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या एम्पायर ने रोका, क्या मैच रेफरी ने कोई एक्शन लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने ये बात की जो खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो रोहित शर्मा ने अब ये बात की है कि सबका हुआ रिवर्स, सबका मीन के सबका, मुझे याद है हारिस रऊफ का भी हुआ था, और अमेरिका में हुआ था हारिस रऊफ का जो स्विंग रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो अगर सबका हो रहा है यहाँ पे और अर्शदीप ने भी किया है, तो मतलब आप या तो फिर उनका ये लॉजिक का जवाब दीजिए आप कि वो कह रहे हैं सबका रिवर्स हुआ है, तो आप बताइए कि नहीं पैट कमिंस का नहीं हुआ, या मिस्टर स्टार्क का नहीं हुआ, या जो आपको लगता है कि नहीं हुआ तो बताइए आप फिर।